नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। नागरिकता संशोधन बिल अब कानून बन गया है। सड़क से लेकर संसद तक हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बावजूद लोकसभा और राज्यसभा से बिल के पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये कानून की शक्ल ले चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दावा किया कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इस कानून से फायदा मिलेगा। नया कानून बताता है कि ये सभी शरणार्थियों पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी तारीख से आए हों। इसके मायने ये हैं कि जिस तारीख को वो यानी कि शरणार्थी भारत में आए, तभी से उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। फिलहाल तो सरकार ने एक कट ऑफ तारीख भी जारी की है, जिसके मुताबिक 31 दिसंबर 2014 से पहले आए सभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अभी तक किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल यहां रहना जरूरी था, जबकि नए कानून में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए ये अवधि घटाकर 6 कर दी गई है। हालांकि इस नए कानून का विरोध हो रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस कानून को संविधान का उल्लंघन करार देते हुए देश के मूल विचारों के खिलाफ बताया। खासतौर से इस कानून को लेकर पूर्वोत्तर में जबरदस्त आक्रोश है। मेघालय, असम समेत कई राज्यों में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। बहरहाल इसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में पेश किया था। कई घंटों की तीखी बहस के बाद ये बिल सदन में पास हुआ। लोकसभा में तो मोदी सरकार के पास बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद भी सरकार ने ये बिल पास करवा दिया। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।